मैंगो यानी कि आम एक ऐसा ट्रॉपिकल फ्रूट है जो हर किसी को पसंद आता है और ऐसा वंडरफुल इंग्रेडिएंट है जिसे आप अपने फेवरेट सलाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैंगो से स्मूदी, शेक्स, पिकल्स, जैम्स और कई तरह के डेजर्ट्स भी बना सकते हैं। यह बहुत टेस्टी है और न्यूट्रिशियस और वेरी इजीली अवेलेबल भी है। और ज्यादातर हमारे पास मैंगोस के साथ हमारी फॉन्डेस्ट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है। जब समर वेकेशन स्टार्ट होते हैं तभी ही हम इस फ्रूट का रिलिशन फ्लेवर्स टेस्ट कर सकते थे। पर क्या आपको पता है कि आपके मनपसंद ये मैंगो डिलाइट 1500 यानी कि 1500 वेराइटीज में ग्रो होता है और वो भी इंडिया में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये एक्सोटिक मैंगोस की कुछ वेराइटीज जो ट्रिगर करेगी आपके मैंगो लव को ये सीजन। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तोतापुरी, ये टेस्ट में माइल्ड होता है और ग्रीनिश होता है कलर में। ये मैंगो की वैरायटी पैरेट की बीक जैसे दिखती है। ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रो होता है और इसका फ्लेश ज्यादा स्वीट नहीं होता, पर सलाद्स और पिकल्स के लिए ये परफेक्ट टेस्ट करता है। हापुस, ये वाली वैरायटी ज्यादातर महाराष्ट्र में ग्रो होती है और अभी अभी गुजरात, कर्नाटका के पार्ट्स में भी ग्रो किया जाता है। इस वैरायटी को मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटी भी कहा जाता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी। सिंधूरा, ये स्वीट और स्लाइट टैंगीनेस टेस्टिंग वैरायटी के अंदर ऐसा अरोमा रहता है जो आपके माउथ में लंबे समय के लिए लिंगर करेगा। ये शेक्स बनाने के लिए परफेक्ट है जिससे इसके पल्प में अच्छा येलो कलर रहता है। बैंगनापली, ये साइंटिफिकली लार्जर होते हैं अल्फेंसो काउंटरपार्ट से। ये मैंगो वैरायटी बनगनापले ऑफ कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस की जाती है। इसमें एक प्लेजेंट अरोमा होता है और ओवल शेप, स्मूथ स्किन और लगभग 14 सेंटीमीटर इन लेंथ में ये मिलता है। रत्नागिरी, सबसे फेमस रत्नागिरी आम महाराष्ट्र में रत्नागिरी, देवगढ़, रायगढ़ और कोंकण में ग्रो होता है। इंटरेस्टिंगली हर एक मैंगो 150 से 300 ग्राम तक का वे करता है। अल्फेंसो मैंगो वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटीज ऑफ मैंगो है जो इंडिया में मिलता है। चौसा, ये वैरायटी पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया और बिहार में। ये वैरायटी शेरशाह सूरी ने इंट्रोड्यूस किया था 16th सेंचुरी में। बिहार के अंदर एक टाउन के ऊपर इसका नाम रखा गया है और ये वैरायटी को कैरेक्टराइज्ड किया गया है इसके इनक्रेडिबली स्वीट पल्प और ब्राइट येलो स्किन से। राजपुरी, ये लार्जली ग्रो और कंज्यूम किया जाता है ओल्ड मैसूर, कर्नाटका में। ये वैरायटी को क्वींस ऑफ मैंगोस भी बोलते हैं इंडिया में। ये मई से लेकर एंड ऑफ जून तक अवेलेबल होता है। ये योगर्ट, स्मूदी और जैम फॉर्म में बेस्ट टेस्ट करता है। पायरी भी वन ऑफ द फर्स्ट वैरायटीज रहती है जो मार्केट में सबसे पहले आती है। इसकी स्किन के अंदर रेडिश टिंच रहता है और सावर टेस्ट भी। ये आमरस बनाने के लिए यूज किया जाता है गुजरात में। हिमसागर, इसके स्वीट अरोमा से कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। ये वैरायटी वेस्ट बंगाल और ओडिशा का स्पेशलिटी है। ये मीडियम साइज्ड वैरायटी 250 से लेकर 350 ग्राम तक वे करती है और इसका क्रीमी फ्लैश डेजर्ट और शेक्स बनाने के लिए परफेक्ट है। नीलम, ये वैरायटी हर एक इंडिया के पार्ट में कल्टीवेट होता है और अबंडेंस में रहता है जून में। ऑरेंज स्किन के साथ ये दूसरे वैरायटीज के कंपैरिजन में स्मॉल रहता है। मालगोवा एक राउंड मैंगो है जो ग्रीन कलर के साथ शेड्स ऑफ येलो में आता है। ये राउंडिश ओब्लिक है शेप में और इसका पल्प लाइट येलो रहता है और मोस्टली मई और जून में ये अवेलेबल रहता है। मालदा को किंग ऑफ मैंगोस कहते हैं बिहार में। ये कम्प्लीटली नॉन फाइबरस होता है जिसके वजह से ये चटनीज के लिए परफेक्ट है। इसका फ्लेवर स्वीट सार होता है और ये पल्पी और डिलिशियस होता है। लंगड़ा बहुत ही फेमस वैरायटी है मैंगोज में। ये वाराणसी, उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ था। इसे सबसे फर्स्ट कल्टीवेट किया था फार्मलैंड्स ऑफ अ मैन जिसके पास पैर नहीं थे और इसीलिए इसका नाम लंगड़ा रखा है। ये जुलाई से अगस्त तक अवेलेबल रहता है। केसर मोस्ट एक्सपेंसिव वैरायटीज के अंदर आता है। इसके पल्प का कलर सैफ्रन को रिजेंबल करता है और इसीलिए ये वैरायटी को केसर का नाम दिया गया है। ये मोस्टली अहमदाबाद और गुजरात में ग्रो होता है और ये वैरायटी सबसे फर्स्ट कल्टीवेट की थी नवाब्स ऑफ जूनागढ़ ने 1931 में। बादामी कर्नाटका का लीडिंग मैंगो वैरायटी है और बहुत ही बेस्ट है जब इसे अप्रैल से जुलाई में कंज्यूम किया जाता है। ये जैम पैक्ड होता है न्यूट्रिशन से। ये वैरायटी की स्किन बहुत ही थिन रहती है और इसे पॉपुलरली अल्फेंसो ऑफ कर्नाटका स्टेट भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ वैरायटीज ऑफ मैंगोज जो इंडिया में मिलती है और जो बहुत ही टेस्टी रहते हैं। और अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।